तो हम लोगों ने शुरू किया था प्रोटीन। प्रोटीन में देखा था कल हम लोगों ने कि प्रोटीन बना होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक जो उसका होता है उसको अमीनो एसिड कहते हैं। और अमीनो एसिड जो होता है वो माइक्रो मालिक्यूल्स है, दो प्रकार का होता है अमीनो एसिड्स। कल के लास्ट के पढ़ाई में था, एक तो पोलर अमीनो एसिड्स और एक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। पोलर अमीनो एसिड्स का भी कई एग्जाम्पल्स हैं और नॉन पोलर का भी कई एग्जाम्पल्स हैं। दोनों में एक ग्लाइसिन और एक सेलिन का जो है ना फिगर को हम लोगों ने कल देखा था, इसका क्या कैरेक्टर है। अब आज कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि कैरेक्टर के बारे में आज देखते हैं। और कैरेक्टर में पोलर अमीनो एसिड जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, जबकि जो नॉन पोलर अमीनो एसिड होता है वो वाटर इनसॉल्यूबल होता है। अर्थात पोलर अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक होता है जबकि नॉन पोलर अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से उसको हेट करता है, वाटर से दूर जाता है, जबकि पोलर अमीनो एसिड वाटर को चाहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, दिख रहे हैं ग्लाइसिन, सिस्टीन, एस्पारजीन, ग्लूटामीन, सेरीन, थ्रियोनीन, और नॉन पोलर के एलेनिन अमीनो एसिड, वैलिन अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथायोनीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान और फिनाइलएलनिन जो है और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो देखे थे पीछे हम लोगों ने, जो देखा था हम लोगों ने अमीनो एसिड्स का फिगर, उसको फिर से देखते थोड़ा सा। अमीनो एसिड्स में कार्बन होता है बीच में और कार्बन के दोनों तरफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है दोनों तरफ। और वो आपका कार्बन पे एक तरफ आर ग्रुप होता है जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है अमीनो एसिड्स का, और एक तरफ हाइड्रोजन होता है। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, अर्थात वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जबकि जो अमीनो ग्रुप होता है वो आपका बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है, अर्थात वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। तो यहाँ पर इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना वो प्रोटॉन को दे सकता है या देता है, और जबकि अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है, अर्थात वो प्रोटॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों के दोनों हैं, और इसके कारण इस मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर है काफी डायमेंशनल हो जाता है। थोड़ा और आगे करके इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक अगर बताया जाएगा या बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेसिक कैरेक्टर का क्या मतलब है, एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब है। नीचे शुरू करते, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो होता है वो आपका कम से कम 300 प्रकार का होता है, 300 की संख्या में पाया जाता है, और इसको कई आधार पर बांटा जाता है। कई क्राइटेरिया है जिसके आधार पर अमीनो एसिड्स को डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टाइप्स में बांटा जाता है। पहला क्राइटेरिया का हम लोग बात करें प्रोटीनस अमीनो एसिड्स का। प्रोटीनस अमीनो एसिड्स वैसे अमीनो एसिड्स को कहते हैं जो प्रोटीन निर्माण में शामिल होता है, जबकि वैसा अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन निर्माण में शामिल नहीं होता उसे नॉन प्रोटीनस अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये जो प्रोटीनस अमीनो एसिड्स होता है वो आप हम में मनुष्य में करीब 20 प्रकार के होते हैं, जो आपका यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, और उनका साथ में संकेत भी है, सिंबल्स भी है। एलेनिन का AL, ग्लाइसिन का GLY, ल्यूसीन का LUE, आर्जिनिन का ARG। इस तरह से 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात इनमें हमारा बॉडी में जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड शामिल होते हैं। लेकिन ऐसे बॉडी में करीब करीब 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन निर्माण के अलावे अन्य कामों में शामिल होते हैं। अर्थात नॉन प्रोटीनस जो होते हैं आपका अमीनो एसिड उनकी संख्या अधिक होती है, और ये जो है ना अधिकांश आपका जो बॉडी के अंदर जो आपका अमीनो एसिड्स है वो नॉन प्रोटीनस है।
इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, गामा अमीनो ब्यूटालिक एसिड जिसको गाबा कहते हैं, क्रिटीन, ये सब जो है ना कुछ आपका अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन के निर्माण में शामिल नहीं होता। अब प्रोटीनस जो अमीनो एसिड्स है जिनकी संख्या 20 थी, उनको भी कई भाग में बांटा जा सकता है, कई ग्रुप में सजाया जा सकता है। आधार अलग अलग होता है। पहला है आपका उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर। वैसे प्रोटीनस अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते या न के बराबर बनते हैं और उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है अपने भोजन के रूप में, इसेंशियल या इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। जबकि वैसे अमीनो एसिड्स जो खुद हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, हमारा बॉडी उनको बना लेने में सक्षम होता है, अर्थात उन्हें हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती भोजन रूप में, उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन कुछ एक अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो बनते हैं लेकिन कम मात्रा में बनते या धीरे धीरे बनते हैं, अतः उन्हें हमें बाहर से लेने की कुछ मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। उन्हें कहते हैं हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हम बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स का। ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनेगा और इसे हमें बाहर से भोजन के रूप में लेना आवश्यक हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको लिखे हैं। करीब 8 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपको आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में मतलब किसी एडल्ट व्यक्ति के बॉडी में नहीं बन पाते। बच्चों में 10 अमीनो एसिड्स हैं जो नहीं बन पाता, लेकिन एडल्ट व्यक्ति का अगर एडल्ट व्यक्ति अगर है तो उसके बॉडी में 8 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं वो नहीं बन पाते। उनको यहाँ पर हम कुछ टेक्निक से, याद करने का टेक्निक से भी देखे हैं। भील MPTT पी, यहाँ पर भी से वैलीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसीन, एल से लाइसीन, एम से मिथायोनीन, टी से ट्रिप्टोफान, टी से थ्रियोनीन और पी से फिनाइल एलेनिन है। ये 8 अमीनो एसिड्स हैं जो हमको बाहर से भोजन के रूप में चाहिए। अब इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। T2L2IMVP, ठीक है। इतना अगर याद रखें तो कौन कौन इसेंशियल है वो याद रहेगा। T2 दो को टी वाला होगा, ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। दो एल वाला होगा, ल्यूसीन और लाइसीन। फिर एक आई से होगा आइसोल्यूसीन, एम से मिथायोनिन, भी से वैलीन, पी से फिनाइलएलनिन। या इसके जगह पर एक और हम ढंग से इसको याद रख सकते हैं। टुडे द पीएम वेरी इल, या पीएम इज वेरी इल। टुडे द पीएम इज वेरी इल। टी से थ्रियोनिन, टी से ट्रिप्टोफान, पी से फिनाइलएलनिन, भी से वैलीन, आई से आइसोल्यूसिन। ये 8 नाम को आराम से आप यहाँ पर रख सकते हैं। आइसोल्यूसिन और एल से ल्यूसीन और लाइसीन, ठीक है। आराम से इसको याद रख सकते हैं। जो जो कैपिटल है इसमें, टुडे द पीएम इज वेरी इल, उसको आप, उसका पहला जो आपका है वो आप रख सकते हैं याद में। तो या तो आप ध्यान में रखिएगा VILLMTTP या T2L2IMVP या टूडे द पीएम वेरी इल। इसमें से आपका ये याद, ये आपको जो है ना चुनने में, चूंकि आपको जो अब जो भी आप नीट वगैरह का एग्जाम देते हो तो समानता उसमें जो है ना वो आपका ठीक मारने के लिए आता है। तो अगर इसको लिख देंगे टूडे द पीएम वेरी इल और उसमें से जो कैपिटल वाला जो उसका आती है वो आप चुन लीजिए कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। टुडे द पीएम इज वेरी इल, इसमें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात जो करते हम,
ये तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स का बात था कि 8 इसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना वो चाहिए एडल्ट में, जबकि बच्चों का अगर बात करें तो केवल तो आपका 10, दो और बढ़ जाता है। अब आते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में या डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स में। वैसा अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में बनता है अर्थात बाहर से भोजन के रूप में जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता, उसे नॉन इसेंशियल या डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स कहते हैं। एक समान एडल्ट व्यक्ति में आप करीब 12 अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपके नॉन इसेंशियल होते हैं, अर्थात एडल्ट में 8 इसेंशियल होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। बच्चों में 10 कौन कौन है जो नॉन इसेंशियल हैं, तो बाकी जो बचा हुआ था 20 में, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, एस्पारेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन, ये सब जो है ना आपके लिए नहीं आवश्यक है अगर आप एडल्ट बन चुके हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी इसेंशियल या सेमी डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स के। ये जो सेमी डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स जो होता है वो समानता आपका चिल्ड्रन के लिए बात किया जाता है। बच्चों में 2 अमीनो एसिड्स आर्जिनिन और हिस्टिडीन बनते तो हैं, लेकिन इनका बनने का जो दर होता है, रेट होता है, काफी स्लो होता है, जिसके चलते बच्चों में विकास प्रभावित होता है और ये अमीनो एसिड्स उसको पूरा करने के लिए बाहर से उसको चाहिए। ये आपका जितना रिक्वायर्ड है उसके तुलना में काफी धीरे धीरे बनने के कारण ही बाहर से चाहिए, इसलिए इसको सेमी इसेंशियल कह रहे हैं। और कौन कौन है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। नेक्स्ट, ये तो हो गया आवश्यकता के आधार पर हम लोगों ने अमीनो एसिड्स को और बांटा कितने भाग में, दो दो भाग में, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, और एक और हो गया सेमी इसेंशियल बच्चों के लिए, तो 3 भाग कर सकते। दूसरा है बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। केमिकल के प्रॉपर्टी के आधार पर हम अमीनो एसिड्स को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है एसिडिक अमीनो एसिड्स, दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड्स और तीसरा है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स अभी हम लोगों ने पीछे देखा था एक स्लाइड में कि जो अमीनो एसिड्स होता है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है, मतलब वो प्रोटॉन को देता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है या करता है, जबकि अमीनो ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप जो है, वो प्रोटॉन को रिसीव कर सकता है, मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। तो इन दोनों के कारण ही अमीनो एसिड्स के प्रॉपर्टी आपके नजर आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो अमीनो एसिड्स का होता है इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही होता है। अब किसी में, अगर किसी अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना वो आपका ज्यादा रहे इसके तुलना में, अमीनो ग्रुप के तुलना में, तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक लक्षण देता है, जबकि अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक लक्षण देता है। अगर दोनों की संख्या बराबर बराबर होगा तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड जो होता है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, जबकि अमीनो ग्रुप केवल एक होता है, अतः इसे मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। और चूंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अमीनो ग्रुप से अधिक है, बराबर नहीं है, इसलिए इस अमीनो एसिड्स का जो लक्षण आएगा, केमिकल लक्षण, वो कैसा आएगा, केमिकल कैरेक्टर, वो एसिडिक आएगा। इसका कॉमन उदाहरण है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इन दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो 2 होता है, मतलब कि अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप से अधिक होता है। दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स वैसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप की संख्या 1 से ज्यादा, मतलब 2, और जो कार्बोसिल जो ग्रुप था उसकी संख्या 1 होता है, अर्थात कम होता है। तो कार्बोसिल ग्रुप के तुलना में अमीनो ग्रुप अगर किसी अमीनो एसिड्स में ज्यादा होगा संख्या में, तो वैसे अमीनो एसिड्स को बेसिक अमीनो एसिड्स बोलेंगे, चूंकि वो बेसिक नेचर दिखाता है,
किसके कारण? अमीनो ग्रुप के अधिक संख्या में होने के कारण। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता, एक एक आपका अमीनो ग्रुप होता, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते, एक एसिडिक और एक बेसिक, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते। लेकिन दोनों में से कोई आपका जो ज्यादा होगा, अगर एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक, अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, अगर दोनों बराबर बराबर है तो न्यूट्रल। इसका उदाहरण है आर्जिनिन और लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपका न्यूट्रल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्योंकि उसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसके कारण ये मोनो अमीनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। अधिकांश जो प्रोटीनस आपके अमीनो एसिड्स हैं वो आपका न्यूट्रल होते हैं, जिनकी संख्या आप जोड़ सकते हैं। अभी हम लोग लिखे, दो एसिडिक था और जो है ना आपका दो बेसिक, तो चार हो गया। करीब करीब 14 जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, दो जो होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पर जो न्यूट्रल आपका अमीनो एसिड्स होता है उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं उसके साइड चेन के आधार पर। अगर साइड चेन में एलिफेटिक ग्रुप हो तो वैसे अमीनो एसिड्स को एलिफेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। एलिफेटिक ग्रुप शायद आप जानते होंगे कि स्ट्रेट चेन वाला जिसमें होगा, मतलब कि रिंग नहीं होगा, है ना। स्टेबल रिंग अगर नहीं हो तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक ग्रुप। तो आर ग्रुप की में अगर एलिफेटिक ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक अमीनो एसिड। कॉमन उदाहरण है इसका ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, एलेनिन और वैलिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स का। उस अमीनो एसिड्स को अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स कहते हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, मतलब ओएच ग्रुप पाया जाता है। इसका कॉमन उदाहरण है सेरीन, थ्रियोनीन, इनमें अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट, सल्फर रखने वाले अमीनो एसिड्स को, मतलब वैसा अमीनो एसिड जिसका आर ग्रुप में सल्फर पाया जाता है उसको कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और इसका कॉमन उदाहरण आपको है सिस्टीन और मिथायोनीन। अगला है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। वैसा अमीनो एसिड्स जिसके आर ग्रुप में बेंजीन पाया जाता है, एरोमेटिक जो है ना आपका ग्रुप पाया जाता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। कॉमन उदाहरण इसका है फिनाइल एलेनिन या ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये इसके कुछ कॉमन उदाहरण हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम साइड में कुछ फिगर और कुछ समस्याओं का बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे सिस्टीन को इस रूप में भी लिख देते हैं, CISTINE, सिस्टीन। अगर इस रूप में लिखा हुआ हो तो क्या ये ठीक है? देखो, अकेला को हम सिस्टीन जब लिखेंगे अमीनो एसिड, एक अगर अमीनो एसिड होगा वहां पर तो उसको सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन लिखते हैं। लेकिन अगर दो सिस्टीन आपस में जुड़े तब उसको सिस्टीन बोलते हैं, CYSTINE। यहाँ पर लिखे हैं कि दो सिस्टीन अमीनो एसिड अगर ज्वाइन कर जाए डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में तो उसको बोलेंगे सिस्टीन, CYSTINE, दो दो सिस्टीन आपस में जुड़ जाए, मतलब डाइमर बना देगा, डाइपेप्टाइड बना देगा, तब उसको कहेंगे सिस्टीन। तो ये सिस्टीन जो है ना ये आपका डाइपेप्टाइड है, किसका? सिस्टीन का। अब नीचे में फिगर से दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ जो है ना आपका सिस्टीन है और एक तरफ एक और सिस्टीन है, दोनों में जो सल्फर था वो सल्फर आपस में जो है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देता है, और दोनों के जो आर ग्रुप में सल्फर है वो जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया है, इसके कारण ये जो आपका पूरी पूरी की पूरी जो रचना है इसको सिस्टीन कहेंगे। ठीक है, सिस्टीन, डाई सिस्टीन को ही सिस्टीन कहते हैं। अगला है फिनाइल एलेनिन का बात। फिनाइल एलेनिन जो होता है
उसमें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि जो फिनाइल एलेनिन होता है उसमें देखिए आर ग्रुप में आपको एक बेंजीन ग्रुप बेंजीन आपका नजर आ रहा होगा, बेंजीन रिंग। तो अगर बेंजीन रिंग पाया जाए आर ग्रुप में तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं, यहाँ पर फिगर में आपको दिखा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स का। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स किसको कहते हैं? वैसे अमीनो एसिड्स को हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स कहते हैं जो आपका हेट्रोसाइक्लिक चेन रखता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का अनुभव हो तो आप जानते होंगे, वैसे चेन को हम हेट्रोसाइक्लिक चेन कहते हैं जिसमें अलग-अलग एलिमेंट्स एक ही साइकिल में एक ही चेन में पाया जाता है। जबकि अगर एक ही प्रकार का एलिमेंट केवल हो एक किसी चेन में तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक चेन। तो हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक चेन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वैसा आपका चेन जिसमें अलग अलग जो है ना एलिमेंट हो मेन चेन में या मेन साइकिल में तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। इसका उदाहरण है हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पर एक बात करते हैं ड्यूटेरियन का। ड्यूटेरियन जो है ना वो शब्द अमीनो एसिड्स के लिए उपयोग होता है। आपके मन में आएगा कि ड्यूटेरियन क्या है? देखो ड्यूटेरियन जो है ना वो जर्मन शब्द ज्यूटर से आया है जिसका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट या हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड या हर्माफ्रोडाइट को ही हम क्या कहते हैं, ज्यूटेरियन कहते हैं। ये जो ज्यूटेरियन होता है वैसा कंपाउंड होता है जिसमें एक एटम अगर निगेटिव हो तो दूसरा एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, अर्थात एक दूसरे से अलग अलग मौजूद दो एटम एक ही मॉलिक्यूल या एक ही कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम ज्यूटेरियन मॉलिक्यूल या ज्यूटेरियन कंपाउंड कहते हैं। अब थोड़ा सा एक फिगर बनाए हैं, फिगर को देख लीजिए। आपको बताए थे कि COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है, वो डोनर का काम करता है, प्रोटॉन डोनर का। और जो आपका NH2 जो ग्रुप होता है वो आपका बेसिक होता है, मतलब कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलकर किस पे चला गया, NH2 पर। तो NH2 क्या हो जाएगा, NH3+ हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन वहां पर ज्यादा आ गया। जबकि COOH जो था चूंकि वहां से एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन निकल चुका है H+ के रूप में तो वहां पर हो जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ज्यूटेरियन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ज्यूटेरियन उस समानता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है क्योंकि एक तरफ उसका पॉजिटिव चार्ज वाला आपका एटम होता है और एक तरफ आपका कैसा है, निगेटिव चार्ज वाला एटम होता है। यहाँ पर लिखे हैं कि अमीनो एसिड जो होता है वो आपका एसिड और बेस के रूप में, दोनों के रूप में काम करता है, अतः इसे हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं। अर्थात कोई अमीनो एसिड्स में एसिड और बेस दोनों एंड पाए जाते हैं, दोनों मॉलिक्यूल पाया जाता है, एटम पाया जाता है, इसलिए इसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। अमीनो एसिड्स जो होता है उसमें जो प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो माइनस हो जाता है, जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप में भी हम लोगों ने देखा। और जो प्रोटोनेटेड होता है मतलब जो प्रोटॉन को ले लेता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड अगर है किसी में किसमें अमीनो एसिड में प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप मतलब NH3+ और निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COO- तो वो क्या कहलाएगा, ज्विटर आयन कहलाता है।
वैसा अमीनो एसिड जिसमें सी डबल ओ माइनस ग्रुप और NH3+ ग्रुप हो तो वो कहलाता है क्या? ज्विटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये समानता आयोनाइज्ड हो गया और इसलिए सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट अगर पीएच मान का कोई सॉल्यूशन है तो इसका स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड्स का होता है वो आपका वैरी करता है। जैसे अगर जो है ना न्यूट्रल होगा 7 पीएच का कोई सॉल्यूशन होगा तो वहां पर क्या होगा, ये आपका न्यूट्रल फॉर्म में होगा COOH कार्बन NH2 के रूप में। लेकिन अगर जो है ना ये आपका एसिडिक होगा कोई आपका स्थिति में, मतलब 2 से 3 पीएच वाला सॉल्यूशन है तो उसमें ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन को दे देगा। और अगर जो है ना बेसिक होगा तो वहां पर क्या करेगा, ये आपका NH4+ तक हो जाता है, मतलब वो प्रोटॉन को ले लेगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बदलता रहता है और ये समानता सॉल्यूशन में देखा जाता है कि 2-3 रूप में पाया जाता है। किसके आधार पर? पीएच के आधार पर। अलग पीएच तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग रूप में बदल जाता है। फिगर से अभी हम आगे देखेंगे। कोई भी अमीनो एसिड जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्यूटेरियन हो सकता है और ज्यूटेरियन जिस पीएच पर होता है, जिस पॉइंट पर होता है उसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या पॉइंट क्या है तो आराम से बताएंगे कि जब कोई अमीनो एसिड जो न्यूट्रल था जिस पीएच पर वो आपका ज्विटेरन में बदल जाएगा, मतलब हाइब्रिड में बदल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में बदल जाएगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस डेवलप उस पर हो जाएगा, तो उस पीएच मान को या उस पॉइंट को उस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है सो देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्डिंग या बॉन्ड जो है वो क्या है, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है जो आपका अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है और अमीनो एसिड को बदल देता है डाई पेप्टाइड में, ट्राई पेप्टाइड में, टेट्रा पेप्टाइड में या ओलिगो पेप्टाइड कह सकते हैं आप, और पॉली पेप्टाइड में। डाई पेप्टाइड का मतलब क्या हो जाएगा, दो अमीनो एसिड वाला वैसा आपका रचना जिसमें दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ा हुआ है कंडेंसेशन के द्वारा, H2O को निकाल कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है डाइपेप्टाइड। लेकिन वैसा अमीनो रचना जिसमें 3 अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है और H2O जो है ना वहां पर निकल गया है तो उसको कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। लेकिन ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं जब अमीनो एसिड्स की संख्या 50 तक होगी, अगर 50 या 50 से ज्यादा हो अमीनो एसिड्स की संख्या तो उस रचना को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्डिंग को देख रहे हैं। एक अमीनो एसिड जो है वो आया, उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो दूसरे अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपना हाइड्रोजन को वो आपका क्या करता है, वो जोड़ लेता है और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पहला जो अमीनो एसिड होगा उसका कौन ग्रुप शामिल होगा इसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग में, कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो दूसरा अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा उसका अमीनो ग्रुप इसमें शामिल होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला का हमेशा जो है ना वो शामिल होता है कौन, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा का कौन शामिल होगा वो आपका अमीनो ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, ये आपस में जुड़कर अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ पर जस्ट बगल में उसका जो है ना
पहले हम बॉन्डिंग कैसे बन रहा था सो दिखाए हैं, और बॉन्ड गैप कैसे बन गया सो दिखा रहे हैं। तो जब डाइपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का बात आएगा तो उसमें एन टर्मिनल आता है और सी टर्मिनल आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल और अमीनो ग्रुप टर्मिनल होता है। अमीनो ग्रुप जो टर्मिनल होता है उसको एन टर्मिनल कहते हैं, और वो हमेशा पहला आपका अमीनो एसिड कहलाएगा जिसमें अमीनो ग्रुप होगा, एन टर्मिनल होगा, और जिसमें आपका सी टर्मिनल होगा वो लास्ट अमीनो एसिड होगा। अगर डाइपेप्टाइड है तो दूसरा, अगर ट्राइपेप्टाइड है तो तीसरा, ओलिगोपेप्टाइड है तो आपका 50वां तक, इस तरह से। तो कितना भी बड़ा आपका पॉलीपेप्टाइड हो, कितना भी लंबा जो है ना प्रोटीन हो, उनमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पेप्टाइड बॉन्डिंग अगर हुआ है आपस में सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो एक तरफ एन टर्मिनल होगा पहला आपका अमीनो एसिड पर खाली, और दूसरा जो आपका लास्ट जो अमीनो एसिड होगा उस पर कौन सा होगा खाली, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सी टर्मिनल किसमें पाया जाता है, लास्ट वाले में। सी टर्मिनल हमेशा ध्यान रखिएगा कि सी टर्मिनल हमेशा लास्ट वाले में पाया जाता है, और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उस पे कौन पाया जाएगा, एन टर्मिनल। अब हम बात करते हैं ओलिगोपेप्टाइड, आपको बताया कि 50 अमीनो तक एसिड से तक का होता है। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स का। प्रॉपर्टी जो होता है अमीनो एसिड का वो दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो निर्भर करता है उसके फंक्शनल ग्रुप पर, किसी भी कंपाउंड में आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है या फिजिकल प्रॉपर्टी समानता, वो उसके फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करता है, खास करके केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स का, वो पहला है कलरलेस होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, लो मॉलिकुलर वेट का होता है। दूसरा इसका है कैरेक्टर कि ये एम्फोलाइट होता है या एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। एम्फोलाइट या एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड में दोनों है, प्लस भी और माइनस एटम भी, दोनों के दोनों हैं प्लस। तीसरा जो इसका गुण है फिजिकल में, अमीनो एसिड जो है ना वाटर में तो सॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी अधिक होता है, करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। केमिकल अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप के कारण होता है, और ये जो आपका होता है कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप के कारण, उससे इस पे अलग अलग जो है ना तरह के केमिकल प्रॉपर्टी आते हैं। इसका टेस्ट का बात करें, अमीनो एसिड्स का टेस्ट का बात करें, इसको कैसे पता लगाएंगे कि कहीं पे अमीनो एसिड्स है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपका मोनोसेक्राइड्स थे उनका भी टेस्ट करते थे हम लोग, बेंडिश टेस्ट या फेलिंग टेस्ट के द्वारा उनको पता लगाते थे। इसी तरह से अमीनो एसिड का जो टेस्ट होता है उसको नीन हाइड्रिन टेस्ट कहते हैं। नीन हाइड्रिन जो टेस्ट होता है वो किसी भी आपका